हेलो जैस टाइगर्स, क्या हाल चाल भाई सबके। कुछ क्रिएशंस ऐसे होते हैं जिसके लिए लगता है कि यार इसके बारे में तो बात होनी ही चाहिए, ऐसे क्रिएशंस को सपोर्ट मिलना ही चाहिए। कोई और बात करे ना करे, हम करेंगे। जब भी किसी भी इंडस्ट्री से सॉलिड कंटेंट आएगा, तो कल मैंने देखी एक मूवी राडो फ्रॉम गुजराती फिल्म इंडस्ट्री, और उसको देखने के बाद मैं रिव्यू करने के लिए कसम से मजबूर हो गया हूं। एंड ट्रस्ट मी, ये फिल्म पैन इंडिया रिलीज होनी चाहिए थी। ये डिजर्व करती है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस और शोज। दूसरी KGF बन सकती है जो रिवॉल्यूशन लेके आ सकती है। बजट पे मत जाना दोस्त, आजकल रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज कंटेंट की क्वालिटी के दम पर इतने बड़े बड़े धमाके कर देती है कि कभी कभी उनके सामने कुछ 200-300 करोड़ की मूवीज कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं। और ये गुजराती मूवी राडो की बात करूं तो ये सिर्फ देश की ही नहीं, देश के बाहर की जनता के दिलों में भी जगह बनाने का दम रखती है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ऐसा क्या खास है इसमें? डायरेक्शन, स्टोरी, प्रेजेंटेशन, बैकग्राउंड स्कोर, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, सिनेमेटिक टोन, मूवी की पेस, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस, इन सब का लेवल आपके रोंगटे खड़े कर देगा, और इसकी मैं गारंटी देता हूं। एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्रिएशन, जिसने मुझे इस मूवी बारे में बात करने के लिए मजबूर किया है, वो है माइंड ब्लोइंग स्क्रीन प्ले। बस दिल से यही प्रार्थना है कि इस मूवी की कोई रीमेक ना बना दे, ये ओरिजिनल मूवी ही अपने अंदाज में आगे बढ़नी चाहिए। किस बारे में है ये मूवी? पावर, पॉलिटिक्स, सनक, कोइंसिडेंसेस, लक, बैड लक, कर्म, धर्म, फल, धर्म के नाम पे लोगों को मिसगाइड करना, दंगे करवाना अपने फायदे के लिए, अंधी भीड़ की मेंटालिटी, रिवॉल्यूशन, डेयरिंग, जस्टिस, यूनिटी, इन सबको एक धागे में कुछ ऐसे पिरोया गया है कि आपको मूवी के बीच में पानी पीने का भी टाइम नहीं मिलेगा। ये मूवी है पावर के बारे में, जस्टिस के बारे में, पावर एंड जस्टिस ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। जब कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल लोग, जिनको जनता ने ही सर पर चढ़ा के रखा होता है, वो लोग जब पूरी जनता को नचाते हैं अपने इशारों पे, उनको भड़काते हैं अपने फायदे के लिए, अपने ईगो के लिए, अपने बदले के लिए, जब दंगे होते हैं तब करोड़ों रुपए का नुकसान होता है, कई जाने जाती है, बेकसूर इंसान परेशान होता है, वो रोता है, जख्मी होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये सब करता कौन है? आम लोग। और भुगतता कौन है? आम लोग। इतनी छोटी सी बात कभी कभी गुस्से में भरी हुई भीड़ समझ नहीं पाती। ये मूवी एक बहुत बड़ी सीख देगी आम जनता को। अगर आप गुजराती हैं, अगर आप गुजराती मूवीज देखते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा गुजराती लोगों तक जरूर से शेयर करना, क्योंकि ये मूवी अभी गुजराती में ही है। अगर आप चाहते हैं कि रीजनल इंडस्ट्रीज भी ग्रो करे, डिजर्विंग कंटेंट आगे बढ़े, तो ऐसे क्रिएशंस को सपोर्ट करना। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर देना, ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।